नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कारण बताओ नोटिस डीजी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था, अब तक केंद्र सरकार की तरफ से तय समिति की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ये बात सही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर में गणित और कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि तीसरी लहर इसी महीने के मध्य में अपने पीक पर पहुंच सकती है। हमारे पास पूरे भारत के लिए पर्याप्त डेटा तो नहीं है, लेकिन हमारी वर्तमान गणना के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर अगले महीने की शुरुआत में चरम पर पहुंच जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वाले लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से खास तोहफा भेजा है। मंदिर में काम करने वाले लोगों के लिए चप्पल पहनना वर्जित है और उन्हें सर्दी के मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने जूट की बनी पादुकाएं लोगों के लिए भेजी है। 100 जोड़ी पादुकाएं भगवान विश्वनाथ की सेवा में लगे पुजारियों, सेवक, सुरक्षाकर्मी और सैनिटाइजेशन के काम में लगे मजदूरों और अन्य लोगों के लिए भेजी गई है। गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के मंत्री माइकल लोबो ने मंत्री पद और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लोबो के कांग्रेस का हाथ थामने की संभावना है। अपने इस्तीफे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के कामकाज से नाराज है। हालांकि उन्होंने अपने फैसले के लिए केंद्र या राज्य के किसी भी नेताओं को दोषी नहीं माना है। पंजाब में चुनाव का ऐलान होते ही प्रदेश के नेता तमाम धार्मिक स्थलों पर देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही डेरों में भी डेरा जमाते नजर आ रहे हैं। रविवार को अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भटिंडा में डेरा सच्चा सौदा के एक आयोजन में पहुंचे। भटिंडा के सलबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा के डेरे पर भाजपा के नेता हरजीत ग्रोवल, सुरजीत जियानी, कांग्रेस के मंत्री विजय इंदर सिंगला, पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोट, पूर्व विधायक हरविंदर जसी और मंगत राय बंसल पहुंचे थे। कोरोना की नई लहर के बीच सोमवार से देश में स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकों को आज से तीसरी खुराक लग रही है। तीसरी खुराक के लिए कोविन पर नए रजिस्ट्रेशन या किसी डॉक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच सोमवार से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना की बूस्टर खुराक शुरू कर दी गई है। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान अखिलेश यादव ने टीम से उनके सुझाव लिए। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से 15 जनवरी को समीक्षा की जानी है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे कैंपेन को ही डिजिटल मीडियम के माध्यम से प्लान कर विचार कर रही है। पत्रकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कश्मीरी पत्रकारों को जेल से रिहा किया जाए। न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भारत सरकार से मांग की है कि पत्रकार सज्जाद गुल को फौरन रिहा किया जाए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 179,723 नए मामले सामने आए हैं और 46,569 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी ने कल 146 लोगों की जान ले ली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,52,717 सैंपल टेस्ट किए गए। इसके साथ ही देश में कल तक कुल 69,15,75,352 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। स्वरा भास्कर का कोविड टेस्ट बीते दिनों ही पॉजिटिव आया था। वो आइसोलेशन में है। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के साथ फनी व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। स्वरा इस वक्त दिल्ली में है। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करके खुद लिखा है कि ईश्वर मुझे माफ करे, मैंने अपनी फैमिली चैट पब्लिक कर दी। इस चैट में एक और खुलासा हुआ है कि स्वरा बचपन में अपनी मां को बहुत परेशान करती थी। मौसम विभाग IMD ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में बारिश की आशंका जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में बर्फबारी, बारिश के कारण ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 10 जनवरी के बाद उत्तर भारत में ठिठुरन और बढ़ेगी। मौसम विज्ञान विभाग ने 11 से 13 जनवरी तक भारत के पूर्वी क्षेत्र में बारिश और घने कोहरे की चेतावनी दी है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि देश में इसके मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई है। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं उनके शीर्ष राज्य शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र से 1216, राजस्थान से 529 मामले सामने हैं। इसके अलावा देशभर में 1552 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार के बीच शहर में कुछ और नए प्रतिबंध का ऐलान संभव है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य आला अधिकारी भी शामिल रहे। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ और सख्त निर्णय लेने पर विचार विमर्श किया गया।
परिवहन विभाग ने एक बार फिर से आम जनता को आगाह किया है कि अगर आपका डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप यानी कि समाप्त करा दें। सरकार पर निकाला और परिवहन विभाग की टीम के हाथ अगर लग गया तो जब्त कर लिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि वाहन स्क्रैप कराने के लिए 4 एजेंसियां अधिकृत हो गई हैं, मगर लोग वाहन स्क्रैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। रविवार को 1,79,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे में जब इस वेव से बचना नामुमकिन लग रहा है, बड़ी संख्या में बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी अब इसका शिकार बन गए हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 15 के सेट से एक बड़ी खबर सामने आई है, यही कि बिग बॉस भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, बिग बॉस भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दोपहर 3:30 बजे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों अधिकारियों से मिलते देखे गए और इन राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। मंडाविया इन राज्यों के कोरोना हालातों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश भी देते देखे गए। बता दें कि बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और कई किशोरों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए थे। प्रख्यात कवि, आलोचक और साहित्य परिक्रमा के संपादक डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष को इस साल के पंडित ब्रजताल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान से अलंकृत किया गया है। सम्मान समारोह की तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 9 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के गंगापुर सिटी में जन्मे डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। सुली डील ऐप मामले में एक बड़ा फैसला आया है। ऐप निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को एक अदालत ने 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रविवार को इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। दिल्ली पुलिस को IFSO यूनिट के स्पेशल सेल ने जांच के बाद मास्टरमाइंड को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जांच के दौरान बुल्लीबाई ऐप मामले के मास्टरमाइंड नीरज बिश्नोई से उनके बारे में जानकारी ली गई थी। उसके बाद रविवार को इंदौर से सुली डील ऐप के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई दिनों से चल रही बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, कानपुर और कानपुर देहात के में सर्वाधिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर जिलों में सरसों की फसल को क्षति पहुंची है तो राजस्थान के कई जिलों में सरसों और गेहूं की फसल खराब होने की जानकारी सामने आई है। बीते 2 दिनों में इस तरह के कई वीडियो सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट किए गए हैं जिनमें जवानों को बर्फबारी में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां पर भारतीय सेना के जवान जबरदस्त बर्फबारी के बीच खुखरी डांस कर रहे हैं। ये वीडियो सेना की तरफ से ट्वीट किया गया है जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर योगी सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालय में एक समय में सिर्फ 50% कर्मचारी की उपस्थिति हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन लीव विद पे दी जाए, यानी कि 7 दिन छुट्टी देने पर सैलरी नहीं काटी जा सकेगी। काफी दिनों से ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म विक्रम बेधा में हिंदी रीमेक को लेकर चर्चा चल रही थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट ने पहले ही सबकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। इस फिल्म के बारे में जानने के लिए फैंस भी बहुत उत्सुक है। कल शाम को ही इसके मेकर्स ने ऐलान किया था कि ऋतिक के बर्थडे पर उनके इस फिल्म में बेधा के किरदार को दर्शकों से परिचय कराया जाएगा। फैंस का इंतजार खत्म हो गया। इस फिल्म में ऋतिक के किरदार से पर्दा उठा और इसके फर्स्ट लुक को आज जारी कर दिया गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 14 जनवरी से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी खुमारी अभी से ही चढ़ने लगी है। टूर्नामेंट के वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं जिसमें भारत ने भी अपना पराक्रम बीते रविवार को दिखाया। अपने पहले वार्म अप में भारत की अंडर 19 टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज से हुआ। 4 बार के चैंपियन से जैसे खेल की दरकार थी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही दिखाया। भारतीय इनिंग में चौके छक्के की भरमार दिखी। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हरिद्वार में हाल ही में हुई धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद में जो हुआ उस संबंध में मैंने ये जनहित याचिका दाखिल की है। हम मुश्किल दौर में हैं जहां देश में सत्य में जयते का नारा बदल गया है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अब डिजिटल सियासी युद्ध होना तय है। बीते कुछ दिनों पर नजर डाले तो भाजपा इसमें बाकी दलों की तुलना में 20 ही दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियां, पदयात्राओं से लेकर नुक्कड़ सभाओं तक फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल डिजिटल युद्ध में दमखम में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस राज्यवार अपना रोडमैप तैयार कर रही है।
म्यांमार की एक अदालत ने सोमवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने और रखने और कोविड प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद 4 साल जेल की सजा सुनाई है। पिछले साल दिसंबर में सू की को प्रचार के दौरान उकसाने और कोविड 19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 4 साल की सजा दी गई थी। आईपीएल 2022 को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। संभावना है कि इस बार आईपीएल सिर्फ महाराष्ट्र में होगा, मतलब आईपीएल 2022 के सभी मैच महाराष्ट्र में कराए जाएंगे। हालांकि पहले भी संभावना जताई गई थी सिर्फ मुंबई में ही पूरा आईपीएल कराया जा सकता है, लेकिन अब मुंबई से बाहर के मैदानों को भी इसमें शामिल करने की बात सामने आ रही है। दरअसल मुंबई में 3 स्टेडियम है, एक तो वानखेड़े स्टेडियम है, इसके बाद ब्रेबोर्न स्टेडियम है और तीसरा डीवाई पाटिल स्टेडियम है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपको भी ट्रेन टिकट बुक करने में खासी परेशानी उठानी पड़ती है तो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। अब आप ट्रेन टिकट्स पोस्ट ऑफिस से भी आसानी से बुक करवा सकते हैं, यानी कि अब आपको ऑफलाइन टिकट बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन जाकर लंबी लाइन लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर भी रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज देशभर में फैल रहे कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीते दिन देशभर में फैल रहे कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पीएम मोदी के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, उड्डयन सचिव, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से मीटिंग में शामिल हुए। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नेहा सिंह, मृत्युंजय कुमार, सिंगर AKT, आर्यन यादव, मुन्ना यादव, भोला प्रसाद, गजेंद्र सिंह, नुन्नू कुमार, मणिकंदन, मृत्युंजय कुमार, सुमन कुमार, राकेश गुप्ता, मृत्युंजय सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच क्रिकेट के खेलों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।